हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। और आज हम आ चुके हैं आप लोगों के लिए एक सीक्रेट मैप मोड की वीडियो लेकर, जिसके बारे में आज हम आप लोगों को फुल रिव्यू करके बताने वाले हैं। और साथ ही साथ वीडियो के एंड में आप लोगों को इसकी फुल डाउनलोडिंग प्रोसेस एंड फाइल सेटअप प्रोसेस भी आप लोगों को डिटेल के साथ बताने वाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले, जो लोग भी चैनल पर नए हैं, जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको सभी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो अपने चैनल पर लाते रहते हैं। और गाइस, आप लोगों ने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाकर फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि मैं वहाँ पर भी आप लोगों के लिए न्यू अपडेट्स लाते रहता हूँ। और किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पर मुझसे मैसेज करके भी पूछ सकता है। और गाइस, मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात और बता दूं कि इस वीडियो में आप लोगों को पासवर्ड देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोगों को वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक ध्यान से जरूर वॉच करना है और पासवर्ड को बिल्कुल भी मिस ना करें। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के, और आप लोग वीडियो को इन्जॉय करिए। तो गाइस, आप लोग सबसे पहले अपने गेम को ओपन करना है। गेम को ओपन करने के बाद आपको मैप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आप लोगों को जो है लोकेशन को सेट कर लेना है। जिस लोकेशन को मैं सेट कर रहा हूँ, तो आपको सेम लोकेशन को जो है सिलेक्ट करके अपने गेम को स्टार्ट कर देना है। जैसे ही हम गेम को स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर जो है हम गेम के अंदर आ चुके हैं। गेम के अंदर आने के बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना, जस्ट मेरी बस को फॉलो करना है, और जो आपको मैप दिखाई दे रहा है आपको उसे भी सही तरीके से देखते हुए ले जाना है, तभी आप लोग जो है उस वाले लोकेशन तक पहुँचोगे। तो यहाँ से आप लोगों को यू टर्न ले लेना है, और सबसे पहले यहाँ से आप लोगों को जो है बस टर्मिनल से एग्जिट मारना है। तो अभी हम बस टर्मिनल से बाहर की ओर चलते हैं, और उसके बाद आप लोगों को आगे बताते हैं कि आपको किस साइड की ओर जो है चलना है। तो यहाँ से अभी हम जो है बस टर्मिनल से नीचे की ओर उतरेंगे, और यहाँ से आएंगे, आप लोगों को यहाँ से टर्न हो जाना है, क्योंकि आप लोगों को यहाँ से टर्न होना ही पड़ेगा, क्योंकि एक ही रास्ता आप लोगों को यहाँ पर जो है देखने मिलने वाला है। और गाइस, जो होटल वाला जो मैप है, वो शायद मुझे लग रहा है इस वाले वर्जन में पहली बार आया है, तो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो गाइस, यहाँ से आप लोगों को जो है अपने लेफ्ट साइड की ओर जो है अपनी बस को, सॉरी राइट साइड की ओर जो है अपनी बस को टर्न कर लेना है। राइट साइड की ओर अपनी बस को टर्न करने के बाद आपको एकदम बस को जो है स्ट्रेट चलाना है। तो अभी हम स्ट्रेट चलते हैं, और आगे आप लोगों को दिखाते हैं कि जो हमारा मैप है वो आप लोगों को यहाँ से कितनी दूर पर मिलने वाला है, और मैप आप लोगों को जो है कैसा देखने मिलने वाला है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी आप लोगों का जो मैप मोड है वो होने वाला है। तो आप लोगों को जो है एकदम स्ट्रेट ही जाते जाना है, और किसी भी साइड टर्न नहीं होना है। तो अभी हम स्ट्रेट ही चलते हैं, और आगे देखते जाते हैं कि अभी हमारा जो मैप है वो कितनी दूर रह चुका है। तो गाइस, अभी हम स्ट्रेट ही चल रहे हैं, और यहाँ से आप लोगों को जो है टर्न देखने मिलेगी, तो आप लोगों को यहाँ से बिल्कुल भी टर्न नहीं होना है। तो अभी यहाँ पर जो है हमारे ट्रैफिक वो है रेड हो चुका है, तो अभी हम थोड़ा सा वेट करते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं, और आप लोगों को आगे की ओर दिखाते हैं। तो गाइस, आप लोगों को शायद जो है मैप देखना भी स्टार्ट हो चुका होगा, जो हमारा होटल है, तो शायद आप लोगों को अभी समझ नहीं आ रहा होगा, तो मैं आप लोगों को उसके एकदम पास लेकर चलता हूँ, और आप लोगों को जो है होटल की ओर दिखाता हूँ। तो गाइस, जो हमारा होटल है यहाँ पर आ चुका है, आप लोग होटल को देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को जो है बहुत कुछ लिखा हुआ मिल जाता है, तो अभी मैं आप लोगों को जो है डिटेल में दिखाऊंगा। तो अभी हम इस बस को जो है इसके अंदर पार्क कर देते हैं, क्योंकि आप लोग को यहाँ पर जो है बस पार्किंग की जो है स्पेस देख मिल जाती है, जो कि काफ़ी बढ़िया लगती है, और साइड में आप लोगों को जो है होटल देख मिल जाता है। तो अभी हम इस बस को जो है अंदर की साइड पार्क करके आते हैं, और उसके बाद जो इसके आगे का व्यू है वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। आप लोग पीछे की साइड देख सकते हैं कि आप लोगों को बहुत बड़ी जो है इसके अंदर पार्किंग देखने मिल जाती है, जो कि काफ़ी बढ़िया लगती है। तो अभी हम यहाँ से बस को आप लोगों को व्यू दिखा देते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया लगता है। तो अभी हम बाहर की ओर चलते हैं, और बाहर से आप लोगों को जो इसका व्यू है वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे आप लोगों को जो है बैरिकेड देखने के लिए मिल जाते हैं, और यहाँ पर आप लोगों को एक बस खड़ी हुई मिल जाती है, और यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर बहुत कुछ, और यहाँ पर आप लोगों को कुछ इमेजेस जो है होटल की देखने मिलने वाली है, जो कि काफ़ी बढ़िया और इंटरेस्टिंग लगती है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो है हमारा बोर्ड है वो काफ़ी बढ़िया लगता है। तो अभी मैं ऊपर से आप लोगों को जो है इसका व्यू दिखा देता हूँ, तो आप लोग ऊपर से व्यू देख सकते हैं। और गाइस, ये हमारा जो है होटल मोड था, जो कि काफ़ी बढ़िया लगता है। तो चलिए गाइस, हम लोग फाइल डाउनलोड एंड फाइल सेटअप प्रोसेस की भी बात कर लेते हैं। तो आप लोगों को सिंपली से इसे डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को इसकी डाउनलोड लिंक देख मिल जाएगी, और उसी के नीचे आप लोगों को एक चैट अचीवर ऐप की भी लिंक देखने को मिल जाएगी। आप लोगों को दोनों चीज़ों को डाउनलोड कर लेना है। और गाइस, मैं बता दूं कि आप लोगों को यह जो प्रोसेस है वो आप लोगों को एक ट्रैफिक मोड के अंदर करना है, तभी आप लोगों का जो फाइल है वो वर्क करेगा। आप लोगों को सभी को डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली से जो है चैट अचीवर एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको डाउनलोड के फोल्डर के अंदर चले जाना है। डाउनलोड के फोल्डर के अंदर आपको फाइल देखने मिलेगी, आपको सिंपली से उस पर क्लिक करना है, फिर एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करना है। वहाँ पर आपसे पासवर्ड पूछेगा, तो यहाँ पर आपको पासवर्ड फिल करना है, जो इसी वीडियो में दिया गया है, तो आप लोग देखकर फिल कर दें। आपका फाइल जो है एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, उसके बाद एक नया फोल्डर बनेगा, आपको इसके अंदर क्लिक करना है, फिर थ्री डॉट पर क्लिक करना है, फिर मल्टी सेट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको दोनों फाइल को जो है सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप लोगों को जो है सिंपली सा बैक आना है। बैक आने के बाद आपको एंड्रॉइड के फोल्डर पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद ओबीबी के फोल्डर पर, फिर मालवीय बजट मोड के फोल्डर के अंदर,
उसके अंदर आपको ओबीपी देखने के लिए उस पर क्लिक करना है, फिर एसिड पर क्लिक करना है, फिर आप लोगों को पिन पर क्लिक करना है, फिर डाटा पर क्लिक करना है, और उसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर जो है फाइल को पेस्ट कर देना है। जैसे कि मैं फाइल को पेस्ट कर रहा हूँ तो आपको सिंपली इसी तरीके से जो है फाइल को पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर जो हमारी फाइल है वो यहाँ पर जो है पेस्ट हो चुकी है। उसके बाद आप लोगों को सिंपली सा सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों को लेवल 36 जो है सर्च कर लेना है, जो कि मैं सर्च कर दूँ। आपको सेम ऐसे ही सर्च कर लेना। सर्च करने के बाद आपको सामने कुछ फाइल आ जाएंगे। उसके बाद आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है, फिर मल्टी सेलेक्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको टिक वाले क्लिक करके आपको सिलेक्ट ऑल पर क्लिक कर देना है और नीचे वाली फाइल को क्लिक करके अलग कर देना है और बाकी सभी फाइल को जो है डिलीट कर देना है। आपको यहाँ पर सबसे नीचे वाली फाइल को जो है छोड़ देना और बाकी जो जितनी भी फाइल आप लोगों को दिखाई दे रही है आपको सभी फाइल को जो है यहाँ पर डिलीट कर देना है। तो यहाँ पर आप लोग जो प्रोसेस है वो ध्यान से देख लीजिए। तो ये गाइस यहाँ पर हमारा जो प्रोसेस है वो यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो गाइस आई होप आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी थी, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना न भूलें। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से जल्दी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। Снова липы гибать на сцене, снова